अच्छा, ये जो अब इटालियन चिकन हम पहले बनाएंगे, इसको दो हिस्सों में बनाते हैं। मुर्गी को सबसे पहले, और ये जो ब्रेस्ट फिले हम केएनएन से उठा के लाए, इनको हम पैकेट से निकाल कर ट्रीट करेंगे मसाले के साथ, मतलब हम इनको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। तो सबसे पहले एक बड़ी चुटकी लाल मिर्च की, और फिर ये इटालियन सीजनिंग्स, यहाँ टाइम है जो अजवाइन हम जानते हैं, बेजल जो हम तुलसी के नाम से जानते हैं, और ये है रोजमेरी। ये ड्राइड हर्ब ज़्यादा ना इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो दूसरे मसाले और जो गोश्त होता है या सॉस होता है उनको सारा ओवर पावर कर लेता है। तो एक एक बड़ी चुटकी इनकी, और फिर आखिर में नमक, दो बड़ी चुटकियाँ मुर्गी के ऊपर छिड़कते हैं। फिर ऑलिव ऑयल लें और सीधा बोर्ड के ऊपर, मुर्गी के ऊपर ऑलिव ऑयल भी आप स्प्रेड कर लें, और ये जो सारे मसाले हाथ से मुर्गी के ऊपर मल दें। इटालियन खाना बनाना बहुत आसान चीज़ है, बहुत जो नेचुरल या बेसिक फ्लेवर्स हैं, बेसिक मसाले हैं, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ताज़े मसाले बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रेस्ट फिले तैयार हैं, हमने अब इनको थोड़ा सा हल्का तलना है। फ्राइंग पैन को तेज़ आंच पे रखते हैं और 3 टेबलस्पून जैतून के तेल को फ्राइंग पैन में डाल दें। तो जैसे तेल गर्म हो जाए मुर्गी को शामिल करें। आपने मुर्गी को एक तरफ 2 मिनट के लिए सिर्फ तलना है, 2 मिनट तल के पलट दें। मुर्गी को अब आपने जब दूसरी साइड पे पलट के भी फ्राई कर दिया, आप बस इसको आंच से हटा दें और अपनी ओवन डिश ले आएं। अच्छा जी, अब आपने मुर्गी को ओवन में रोस्ट करना है, तो जल्दी से फ्राइंग पैन से ओवन डिश में निकाल दें। और जो भी तेल रह गए वो फ्राइंग पैन से निकाल के ओवन डिश में उनको भी शामिल कर दें। अब जाएंगे इनमें मशरूम्स, जो आप साइड्स पे डाल दें इस तरह। फिर यहाँ है मेरे पास थोड़ी सी हरी लहसुन, ये भी मैं चॉप नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मुर्गी के ऊपर इसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि इसके जो जायके हैं वो मुर्गी में जज्ब हो जाएंगे। फिर जी आप थोड़ी सी प्याज लेके साइड्स पे मशरूम्स के साथ सजा दें। अच्छा, और अब लहसुन 4-5 दाने लेके इनको भी साइड्स पे सजा दें, और आखिर आधे नींबू का जूस इसके ऊपर छिड़क दें। फिर आखिर में मेरे पास यहाँ है चेडर चीज़, जो मैंने टीन से निकाल के ग्रेट की है। जाहिर सी बात है, अगर आपको ताज़ी या फ्रेश चेडर चीज़ मिले आप ज़रूर वो इस्तेमाल करें, और ये पकाते वक्त इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं पारमेजान इस वक्त नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि पारमेजान बिल्कुल जज्ब हो जाएगी इसमें। चेडर एक तह बना देगी मुर्गी के ऊपर जिससे बहुत ज़ायका मिलेगा मुर्गी को। तो थोड़ा सा चेडर इस वक्त आप चिकन के हर पीस के ऊपर डाल दें। आखिर में जो सब्जियां हैं जो आपने इसमें शामिल की हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं और थोड़ा सा जैतून का तेल छिड़कते हैं। मुझे एक और चीज़ डालनी है, और वो है केएनएन की डेली लाइन से पेपरोनी स्लाइसेस और मोर्टाडेला स्लाइसेस। और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक तह बनाएंगे मुर्गी के ऊपर जिससे ज़्यादा वो तेल फ्लेवर्स जायके मुर्गी में सिर्फ जज्ब हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। और ये इटालियन कुकिंग में भी ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल होती है। सबसे पहले ये पेपरोनी स्लाइसेस, इनमें काली मिर्च होती है, और ये मुर्गी के बने हुए पेपरोनी के स्लाइसेस आप निकालें, और इसकी लेयरिंग कर दें, यानी एक तह बना दें। अच्छा,
और ये जो मोर्टादेला स्लाइसेस हैं ये भी बहुत मज़ेदार हैं, इनमें एक तो पिस्ते और काली मिर्च भी है। और ये पेपरोनी और मोर्टादेला दोनों पिज्ज़ा जो एक और इटालियन डिश है उनके लिए भी बहुत मज़ेदार होते हैं, आप फ्रेंच कुकिंग जब करते हैं उसमें बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं। मोर्टादेला का आप एक बड़ा बड़ा स्लाइस हर पीस के ऊपर सेट करें। चलेंगे, अब हमारी डिश अवन के लिए तैयार। आपने इसको 15 मिनट 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाना है।